रात में तो प्रोग्राम प्रोग्राम चलो तो जो चलो, और अब हो गई सुबह, आराम से नहा धोला, ड्रेस वगैरह भी चेंज हो गई और अपने आ गया भैया किन्नर वगैरह, उन्हें देखा था। वैसे तो जाए प्लानिंग है तो मोड़ी बात घर पे, मगर अब नहीं आ रहे जो किन्नर आ गए जिनसे उन्हें बटला हो जाए, खाऊ भीड़ लग गई और देखा था। ये बात होना चाहिए। भैया मैं तो तू था ऑडिएंट भी नहीं ले सकती भैया, इसकी पर नहीं आप कैसे भदौरिया ठाक हो रहे हैं। देखो कोशिश है 5,000 रुपए अब डाले डाले को बात नहीं ज्यादा नहीं बोलियो अब डाले 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 पे उतार पेट को लोगी बात काय में धर लूं देखियो अरे गलत काम नहीं है ये बच्चा है ऐसा मतलब बेकार ऐसे काम कर रही तुम ऐसा काम ना करो जी बने रहो तुम राज कुछ मेरी बधाई कर के 5,000 रुपए में जाओ माफी स्टैंडर अच्छे अरे परिदेल जी पिया मेरा पूरा जरूर आज ही घर और किन्नर से लगी है मूड मार वे खा जाए। और मैं तो कहा ड्रेस रात में ट्रांसफरेंस करो तो गंदी हो गई थी, और मैं तो शादी में आया था अपने घर की शादी, तो एक ड्रेस तो हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलनी चाहिए, तो बात चक्कर में अपन तो एक ड्रेस एक्स्ट्रा लेके आए थे। और ड्रेस का पैंट वगैरह दो भी चेंज कर ला है, वाइट शर्ट है, और रात में इसीलिए मैं वाइट शर्ट नहीं पहना के ड्रांस में कहा पुंगा उंगा मैं चटनी बटनी फेंक देता है, पर मैं भी फिर खाने के टाइम पर भी गले पुंगा होता था चटनी बटनी फेंक देता बात चक्कर में। और वाइट शर्ट थोड़ी सुबह ही पहनेगा सब अच्छी भी लगेगी चमक आएगी। और चलो क्या बोलते हैं, पिछला ब्लॉग तो अभी एडिट भी नहीं किया हूँ, जो पूरा मैंने शादी का वो तो अभी एडिट ही नहीं हुआ है, और अपलोडिंग कहाँ से होगा। देखो आज शाम को दोनों ब्लॉग, ये शाम को ये भी ब्लॉग वो भी ब्लॉग अपलोड करके अब एडिट करके एक शाम को लगा दूंगा अपलोडिंग पे, कल करूँगा अपलोडिंग पे। और चलो देखते हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए किन्नर की, फिर जा रहे हैं लड़की वाले घर। मगर यार इनको पता किस चल जाता है, वो ऑटो लेके आ गए, अब मैं I-20 लेके निकल ही रहा था इतने में आ गए सब। चल जो सुबह की प्रोसेस बची थी, पैर पुजाई बोलता है और पलका बहुत सारा, मैं तो भूल भी गया क्या क्या होता है सुबह, वो सब हो गया कंप्लीट। और खाना वाना भी सब खा पी लिए, बस अब विदाई की तैयारी चल रही है, अगर थोड़ी बहुत देर में मेरे ख्याल से विदाई होगी। और मैं तो इधर छाँव में चलो आऊँ घर से दूर, थोड़े से मैंने बाथरूम करके आऊँ कि तभी तो उधर क्या भीड़ लगी थी। और क्या कहता है बाकी कैंटर भी आ गई है, तो सामान भी लोड हो रहा है, सामान जैसे लोड होगा वैसे सब निकलते हैं फटाफट। और सामान भी खैर अच्छा खासा दिया है, और डबल बेड है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, एसी, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, बहुत सारा सिस्टम है। दिखाऊंगा वीडियो घर पे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो लोड आधा हो चुका है और आधा भी हो रहा है गाड़ी में लोड, तो बाकी सब दिखाऊंगा। और चलो क्या बोलते हैं, मगर यार मेरा तो एक पूरा प्लानिंग ख़राब हो गया। जो सोच रहा था ना कि इस वाइट साइड पे मैं दाग नहीं लगवाऊंगा, मगर इतना गंदा दाग लगा है ना कि मैं क्या बताऊं कसम से। कुछ कुछ मत देखो, कलर कुछ दिख रहा है नहीं, दिख रहा नहीं दिख पाएगा क्योंकि मेरा कैमरा है ना कुछ नहीं पा रहा है उस जगह तक। देखो हल्दी लगी हुई है पूरी, दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो देख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ। ओह हाथ नहीं पहुँच पा रहा ना वहाँ तक। ओह चलो बाथरूम करता हूँ, जाता हूँ घर पे सीधा। काम वाम है सब कंप्लीट, और अब निकल रहे हैं घर के लिए सीधा, और विदा वाली भी गाड़ी रेडी हो गई विदा के लिए, और हम भी रेडी हैं। जो सवेरे नाश्ता ही पकौड़ी गाड़ी में पड़ी है, अब जिन्हें फेंकने पड़े वो जो कहूँगा खाई नहीं है गाड़ी में। और देखो विदा की गाड़ी भी दिखाए पड़ी है सामने, दिखा रहे हैं लगा जी आ रहे हैं नौचा रहे हैं देवे और लगा तो कचु ऐसो ही सो रहा हो। बारात में से तो आ गए थे मैं बोल रहा हूँ 3, 3:30, 4 बजे पे आ गया था बारात से, और आके तुरंत सो गया था। सोने के बाद फ़ोन भी चार्जिंग पे डाल दिया, और फिर फ़ोन आया गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गया इलेक्ट्रिक वायरिंग का कुछ फॉल्ट वगैरह, इसके लिए रेडी होके निकल आया। रेलवे स्टेशन आ गया हूँ मोरेना, और घर से रास्ते में कोई नहीं, बस सो के खड़ा हुआ, नहाया धोया बैग उठाया और तुरंत निकल आया। कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है कि मैं जा भी रहा हूँ साइड पे कि नहीं जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं घूमने के लिए निकल आया हूँ, सो के खड़ा हो गया कसम से। और देखो निकल रहा हूँ भोपाल के लिए, मोरेना रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ अभी तो, ऊपर ही गलती पे
और ट्रेन है अभी ऐसा 9:30 बजे पे ट्रेन है, तो ट्रेन का वेट करते हैं और चलो अपना एक नंबर पे चलता हूँ धीरे धीरे आराम से। और शादी भी अच्छी रही और खाना पीना भी जो था वहाँ पे अच्छा अपना मतलब व्यवस्था करके रखा था पूरा। और मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ की मेरे को तो कमी दिखी नहीं। हाँ एक चीज़ की कमी दिखी कि उधर गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, उधर एसी नहीं लगवाया, ओपन में थोड़ा एसी लगवा देता तो रात में ट्रांस करने में थोड़ा और दिक्कत नहीं होता, एसी की कमी रहेगी बस और तो कोई दिक्कत नहीं। और चलते देखो आधा घंटा एक घंटा भी वेट करना पड़ेगा ट्रेन का क्योंकि 30-35 मिनट्स डिले भी है ट्रेन। और जब तक बैठते मैं तो घर से खाना भी खा के नहीं निकला हूँ क्योंकि पेट दर्द कर रहा। रात में ट्रांस इतना ट्रांस किया ना कि कुछ पूछो मत, हद नहीं है। कम से कम 2 घंटा कंटिन्यू ट्रांस किया, कम से कम 2 घंटा। और मैं तो ये साला पेट से परेशान हूँ, ये बाहर निकलता है ना इसकी वजह से ट्रांस भी नहीं कर पाता हूँ ढंग से, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और इसका वही डांस कर रहा हूँ, पेट दर्द कर रहा है, डांस कर रहा हूँ पेट। कम से कम तो 5 बॉटल तो पानी का पी गया था 2 घंटे में वहाँ पर डांस करते करते। और फिर दिक्कत क्या हुआ, उस दिन मैं खाना भी नहीं खाया था, खाने में सुबह थोड़ा सा पुआ खाया था, मार्केट गया था तो थोड़ा 10 रुपये का पानी पूरी टिक्की खा के आ गया था, बस उतना ही। पूरा दिन का वही नाश्ता था सुबह से लेकर शाम तक का, सबसे बड़ी दिक्कत वो हो गई मेरे साथ। अगर उस दिन खाना खाया होता तो उतना दिक्कत नहीं होता था सुबह, इसी वजह से खाना नहीं खाया बोल के डांस कर रहा था तो पेट हिल के पूरा आग समझने लगा और दर्द करने लगा, अभी तक पेट दर्द कर रहा है मेरा। अभी उतरा इधर एक चाय पिया, बस चाय पी के गले सुबह से तो सुबह भी उधर से खाना खा के नाश्ता करके निकला था, 2 ही पूरी 1.5 पूरी खाया मात्र 1.5 पूरी। और चलो देखते हैं ट्रेन का वेट करते हैं। मगर यार ये साला लगता नहीं है कि रेलवे स्टेशन है, कोई दुनियादारी कुछ दिख ही नहीं रहा अभी, इतना टाइमिंग है देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सुनसान एकदम पूरा। तो देखो दिखाता हूँ पूरा एरिया सुनसान सा दिख रहा है, कोई पैसेंजर नहीं है ज़्यादा। ये कुछ हाल है स्टेशन का देखो, तो दो चार बस बैठे दिख रहे हैं कहीं कहीं और कोई जनता नहीं है, और ट्रेन भी नहीं एक भी निकल रहा है, पूरा ऐसे माहौल है। चलो बैठता हूँ आराम से, ट्रेन का वेट करता हूँ, ट्रेन आ जाएगा तो फटाफट निकलता हूँ। और नींद भी आ रहा यार, सो रहा नहीं क्योंकि रात में मुश्किल से 1.5 घंटे सो पाया था, बस वो दिक्कत है। बस ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन आए तो फटाफट निकलता हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि अभी ये साहब निकल रहे हैं, इनको निकल जाने दे, निकल गए विदाउट टिकट जा रहा हूँ, कसम से विदाउट टिकट। अभी भी मैं तत्काल में देखा, सब में देख लिया, जनरल में देख लिया, कुछ में मेरे को यहाँ तक कि वेटिंग लिस्ट में भी मेरे को टिकट नहीं दे रहा है अभी ये जो ट्रेन आ रही है। और सुबह से पहले कोई भी ट्रेन का टिकट नहीं मेरे को नहीं मिल रहा है, एक भी ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है। पैसा रख लिया हूँ एटीएम से निकाल के, टीटी आएगा पैसा पैकिंग, आराम से स्लीपर में सो के जाऊँगा खाली मिल गया तो। और आएगा टीटी तो चल हम फाइन मारेगा और इससे ज़्यादा क्या करेगा, लेके तो जाएगा नहीं पकड़ के बस। चल आराम करता हूँ और बैठता हूँ कुछ थोड़ी बहुत देर, और देखो मेरे ख्याल से ट्रेन का क्या टाइमिंग है, 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि नॉर्मली 40 मिनट वेट करना है, उसके बाद 30 मिनट डिले है कम से कम, तो वही टाइमिंग बहुत हो जाएगा।